अजमेर में रोज औसतन 4 से 5 मामले साइबर क्राइम के दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में किशनगंज थाने में यूट्यूब पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने पर महिला के खाते से 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकाली गई है। वहीं अजमेर के साइबर थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट होती है तो थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इसके चलते ही आप इस पर 1930 नंबर पर भी डायल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सभी बच्चे और बूढ़े सभी जो आइडिया बनाते हैं तो उनको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आईडी का 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें, जिससे कोई भी आपकी आईडी को लॉगिन करता है तो उससे आपके पास में मैसेज आ जाता है और आपकी जो आईडी है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। दूसरा, कई बार लोग क्या करते हैं कि आपकी आईडी से आपकी फ़ोटो कैप्चर करके और उसकी फर्जी आईडी बना करके और फिर उसके ऊपर गलत कमेंट या फिर इस तरीके की बातें लिखते हैं, जिससे आपको जो ऑफर्ड फील होता है थोड़ा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी अपना जो आईडी को है लॉक करके रखें। उसके अलावा आपके साथ कभी भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपको जानकारी लगती है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपको सर्वप्रथम 1930 पर कॉल करना है। ये ऑल इंडिया का साइबर क्राइम का है नंबर है, इसलिए अगर व्यस्त भी अगर आता है तो ये आप बार बार इसके ऊपर डायल करते रहें, वरना फिर साइबर पोर्टल पे जाकर के, साइबर पुलिस पोर्टल पे जाकर के आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। हमारे साइबर थाना अजमेर जो कि पुलिस लाइन परिसर में स्थापित है, इसके अंदर साइबर फ्रॉड से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ आती हैं, जिनका हमारी टीम द्वारा मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो पीड़ित लोग ये लेके आते हैं कि साहब मेरे इतने पैसे निकल गए, वो निकल गए, तो उस समय हमारे द्वारा 1930 की कॉल करके उसकी सहायता की जा सकती है और प्रॉडली फ्रॉडर के जो खाते हैं वो सीज करवाए जाते हैं, उसके पैसे होल्ड पर रखवाए जाते हैं। इसके अंदर जितना रिस्पॉन्स समय कम होता है, 1 घंटे में दिया जाए तो उसके पैसे रुकने की काफ़ी संभावना है, 4 घंटे के भीतर आ जाए तो भी संभावनाएं बनती है, लेकिन जो जो इसके अंदर टाइम ज़्यादा जाता जाता है ना, तो उसकी संभावनाएं पैसे रुकने की क्षीण होती जाती हैं।